ड्यूटी पर जा रही थी महिला सिपाही, एक काल आते ही कर लिया सुसाइड। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि विशेषगंज थाने में तैनात महिला सिपाही अपनी साथी महिला सिपाही के साथ ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। इस दौरान वो फोन पर किसी अज्ञात से बात करने लगी। बात करते करते वापस मुड़ी और अपने रूम में आ गई। फिर उसने सुसाइड कर लिया। साथी महिला आरक्षी ने घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष को दी, जिसके बाद मृतक महिला आरक्षी को फंदे से उतारा गया। घटना की सूचना पर जिले के एसपी प्रशांत वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और थाने के पुलिस कर्मियों से घटना की जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि 2019 की महिला आरक्षी निधि सिंह आज सुबह अपनी महिला सहकर्मी के साथ वर्दी पहनकर बैंक ड्यूटी के लिए निकली थी। इस दौरान वो किसी अज्ञात से फोन पर बात कर रही थी। बात करते करते अचानक वो अपने कमरे में चली गई और भीतर से कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी पर लटक गई। मृतक महिला आरक्षी निधि सिंह 26 वर्षीय उन्नाव जिले की रहने वाली थी और विगत 2 वर्षों से बहराइच के विशेषगंज थाने में तैनात थी। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस की फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि मृतक आरक्षी के परिजन अपने घर से थाने पर पहुंच रहे हैं, उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर महिला आरक्षी निधि सिंह आज सुबह अपनी महिला सहकर्मी के साथ वर्दी पहनकर बैंक ड्यूटी के लिए निकली थी। इस दौरान वो किसी अज्ञात से फोन से बात कर रही थी। बात करते करते अचानक वो अपने कमरे में चली गई और भीतर से कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी कर फंदे पर लटक गई। वही पुलिस का कहना है कि आखिर क्या है वजह, जांच की जा रही है। जांच के बाद कारणों का पता चल पाएगा। महिला आरक्षी निधि सिंह है, जो कि 19 तारीख की थी, उसने आज अपने कमरे में सुसाइड कर दिया। उसके साथ एक लड़की और भी रहती थी, उन दोनों की जो ड्यूटी लगी हुई थी बैंक में और बैंक में जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसी दौरान टेलीफोन से बातचीत नहीं हो रही थी उसकी और इस पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। उसके मोबाइल नंबर की जो डिटेल कोई सुसाइड नोट नहीं पा रहा और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अतिशय पता लगा जा रहा है। ये परिवार वाले आ रहे हैं, हम लोग संपर्क में हैं, रास्ते में हैं और वो बरेली बाराबंकी सीमा में लगता है क्रॉस कर रहे हैं। जल्दी आ जाएंगे, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद। तो क्या डेड बॉडी पीएम के लिए जाएगी सर? हाँ, उनके आने के बाद बॉडी पीएम कराई जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।